नमस्कार मैं हूं प्रशांत और आज मैं एक ख़ास शख्सियत के साथ बैठा हूं जिनको आप सब जानते हैं और मजे की बात ये है कि ये स्टार तो हैं मगर स्टार होने के बावजूद भी आपको अपने से लगते हैं इनका नाम है जीतू भैया आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ जितेंद्र कुमार बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए थैंक यू सो मच सर सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि मैं अभी सीरीज कोटा फैक्ट्री देख रहा था hmm. और पहला और दूसरा भी मैंने देखा है तीसरा भी पूरा नहीं कर पाया तो देखते मुझे लगा कि कुछ नए नए शेड्स हैं चार साल में बनता भी है नए नए शेड्स पर इस जर्नी में आपके अंदर क्या नए नए शेड्स आए आई थिंक काफ़ी जो मतलब आई थिंक छः साल पहले आई थिंक पाँच साल पहले पहला सीजन आया था और तब से लेके अब तक यू नो लाइफ काफ़ी चेंज हुई है आ, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हुई है अंदर से काफ़ी जो You know, कुछ बुरी आदतें गई हैं कुछ बुरी आदतें आई हैं तो <laughs> मैं काफी बदल गया हूँ पहले से पाँच सालों में अब गई बताऊंगा <laughs> <laughs> तो तो <laughs> तो आपको कि क्या बुरी आदतें नई आई हैं और क्या जो पुरानी है जो चली गई तो ऑफकोर्स काफी सारे चेंजेस आए हैं बठ मतलब आपको किस तरह के चेंजेस जानने में जानना चाहता हूँ जो आपको आपकी जिंदगी को Uh, असर डाले ऐसे चेंजेस जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ है hmm. आई थिंक थोड़ा आई थिंक ईजी हुआ हूँ पहले मतलब मैं बहुत स्ट्रेसफुल रहता था अपने काम को लेके यू नो वो वो स्ट्रेस रहता था uh, ये स्ट्रेस रहता था कि पता नहीं किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी काम को लेके यू नो किस तरह की फिल्में आएंगी किस तरह की फिल्मों का मैं पार्ट रहूँगा तो ये सारे स्ट्रेस हुआ करते थे आई थिंक जिस तरह से कुछ दो तीन साल में जो भी काम आया है बाहर uh, वो थैंकफुली बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया लोगों ने लोगों तक है यू नो जिस तरह का रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं दिमाग में एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का रिस्पॉन्स मिला है उससे ज़्यादा ही मिला है तो उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं तो आई थिंक कुछ स्ट्रेस लाइफ के कम हो गए जिसने कुछ मुझे अपने जहनी तौर पर चेंज किया है जी आ, होता क्या है कि जब भी आप जर्नी शुरू करते हैं और जिस तरह से जर्नी आपकी रही है आ, मेरे ख़्याल में बहुत लोगों ने आपकी जर्नी आपसे पूछी होगी <laughs> मगर एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में या जब भी, भी सोचता हूँ कि इंजीनियरिंग से जब आप इस वर्ल्ड में आते हैं एक्टिंग के वर्ल्ड में जाहिर सी बात है पढ़ाई के लिए जब आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे थे माँ बाप ने कहा होगा बेटा इंजीनियरिंग कर लो और जब आपने छोड़ के एक्टिंग साइड में आ गए तब कुछ कहा या नहीं कहा हाँ मतलब उनके लिए काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था और वो जायज सी बात है वैसा ही रिएक्शन आने वाला है क्योंकि आ, मुझे लगता है कि जो आई आई या उस तरह की जो तैयारी करता है उस तरह की कॉम्पटिशन की जो इलेवेंथ ट्वेल्थ में तैयारी होती है उसमें उनकी उम्र बहुत यू you नो know, कम उम्र होती है तो उसमें बहुत सारा सपोर्ट फैमिली का ही होता है पेरेंट्स का ही होता है खासकर बहुत सारे रिलेटिव्स का होता है तो मतलब 50 परसेंट मेहनत कहीं और से आ रही होती है और तुम्हारा तो काम होता है कि सिर्फ जाके एक यू नो टीचर्स भी बहुत सारी मेहनत करते हैं तुम्हें सिर्फ जाके कुछ एक क्रीम मटेरियल होता है वो पढ़ना होता है और वो जाके एग्जाम करना होता है यू you नो know, उसके अलावा बहुत सारी मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो वैसे ही मेरे साथ भी था एंड जब तुम उनको बताओगे कि अब तुम <laughs> ये वाला ये वाला फील्ड ही छोड़ रहे हो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की तुम्हारी फैमिली ने इतनी मेहनत की तो ऑफकोर्स वो एक शॉकिंग रिएक्शन होगा और वो शॉकिंग कुछ टाइम तक ही शॉकिंग रहता है दो तीन दिन बाद वो थोड़ा सा यू नो वो कंसर्न में बदल जाता है कि मतलब कैसे यू नो कुछ किसी को जानते नहीं हो इस फील्ड में किसी को नहीं जानते हम किसी को नहीं जानते हैं क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स के दिमाग में वो होता है कि वो सब कुछ कर दें अपने बच्चों के लिए ठीक है वो अगर मतलब इतनी कोशिश कर दें कि अगर किसी भी फील्ड में जा रहा है तो उसका पता हो तो और जिस चीज़ जिस चीज़ का पता नहीं होता वहाँ थोड़े से वो कंसर्न हो जाते हैं है, क्या है? बोला था मम्मी ने पापा ने नहीं नहीं बेसिकली आई थिंक मम्मी को तो खैर उतने इश्यूज नहीं थे आ, पापा को पापा काफ़ी कंसर्न थे आ, तो वो बहुत सारे रिलेटिव्स रे, को कॉल कर रहे थे कि यार समझाओ इसको कि हम लोग इतनी मेहनत की है के लिए और तो बहुत सारे रिलेटिवस भी इस बात को मेरी मेरा पर्सपेक्टिव भी समझ पा रहे थे वो लोग तो तो वो लोग भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो बीच में फंसे हुए थे hmm. तो फाइनली आई थिंक दो तीन दिन का ही वो एक फेज़ था जो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा घर में जिस पर ये कॉल लेना था कि मुझे किस तरीके से यू नो किसी और चीज़ के लिए मोटिवेट कर दिया जाए रादर एक्टिंग बट फिर फाइनली मान गए वो लोग एंड उन्होंने ये बोला कि हाँ मतलब जाओ और करो अच्छे से काम करो भागना मत भाई जब आपको देख लिया स्क्रीन पे Uh, उसके बाद कहीं वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पहले तो ये डर रहता है चलो एक फिल्म मिल जाएगी या एक काम हो जाएगा फिर दूसरा कैसे मिलेगा फिर तीसरा कैसे मिलेगा और ये जो आपका टैलेंट था उनसे छुपा हुआ था क्या और देखने के बाद उनको फिर से एक नया झटका <laughs> लगा क्या हाँ आई थिंक सबसे बड़ी बात तो कि उन्होंने कभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं उनको पता नहीं कि ये क्या बोल क्या रहा, रहा है बंद कर रहा है किस तरह की बातें कर रहा है सडनली तो एक तो वो भी उनको रिवील हुआ कि अच्छा ये कर तो रहा है कुछ एंड uh, uh, सारा कॉन्फिडेंस सिर्फ काम से ही आया है और बात करके नहीं आ सकता जी। वो मुझे प्रॉब्लम uh, भी यही थी कि मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्यों करना है या क्या करना है मैं कहाँ जाऊंगा कैसे मैं काम ढूंढूंगा इसकी मेरे पास भी कोई एक्सप्लेनेशन थी नहीं और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाह रहा था कि मैं यू you नो know, पता गए जो कि बहुत ही बहुत सारी केसेस में वैसा होता, होता है।, है तो मैं बातों से नहीं समझ मुझे पता था कि बातों से समझ भी पाएगा नहीं क्योंकि क्योंकि वो एक बहुत समझदार लोग हैं ठीक है थीगे? उनको अगर मैं बातों से समझाने की कोशिश करूंगा तो वो लेंगे कि चलो कहीं और जाके समझाना है सब बातें कहीं और जाकर करो तो मेरे दिमाग में ये था कि जब तक काम नहीं आएगा जब तक काम नहीं कर लूंगा तब तक वो समझ में आना बहुत डिफिकल्ट है तो जैसे जैसे काम आता गया तो ही वो लोग भी कन्विंस होते गए तभी उनको ही कॉन्फिडेंस आया Uh, काम ही एक ज़रिया था उनको समझाने का आपको कई बार लगता है आपको भी और आपके आसपास जो लोग होंगे दोस्त होंगे फैमिली होगी कि एक नई राह जो आपने निकाली या निकल गई किस्मत भी बोल सकते हैं उसको हम या जिस तरह की टीम आपकी बनी आ, कभी आपको लगता था क्योंकि कोई भी शख्स जब इस लाइन में आता है तो बहुत बड़ी दीवार लगती है ये बॉलीवुड और जब आप अपने आप को देखते हैं आज तो अब वो लगता है कि ये जो रहा बन गई ये ऐसी ही बन गई वक्त का न, न, वक्त का कहते हैं वक्त था या फिर आ, कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन था हाँ बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर ही बोलूंगा मैं मैं ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट तो करते ही हो तुम सोचते हो कि हाँ मतलब इस तरह से काम करना है या इस तरह की यू you नो know, इस तरह की कहानियाँ कहनी है इस तरह की कोई फिल्म मिल जाए या इस तरह की कोई सीरीज मिल जाए तो ये सारी मैनिफेस्टेशन तो होती हैं एंड uh, uh, मुझे लगता है वक्त का बहुत इंपॉर्टेंट uh, गेम रहा है क्योंकि जिस टाइम पर मैं आया उस टाइम पर यूट्यूब नया नया ग्रो कर रहा था और वहाँ पे हम लोगों ने स्केचेस बनाना चालू किया वो स्केचेस यू नो लोगों को पसंद आने लगे समहाओ काम स्टार्ट हो गया काम जल्दी मिलने लग गया तो फिर कोविड uh, आ गया हाँ फिर कोविड आ गया तो मेन तो मुझे लगता है कि जिस टाइम पे मैं मुंबई आया उस टाइम पे जस्ट यूट्यूब वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट चैनल स्टार्ट हुए थे तो मैं उनका पार्ट रहा हूँ तो अगर मैं उससे पहले आता तो वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग सकता था तो बहुत ज्यादा क्रेडिट मैं इसको देता हूँ टाइम पे मैं शहर में आया जिस टाइम पे यू नो एक नए एंटरटेनमेंट की जरूरत थी, थी और वो शुरुआत हो रही थी मिमिक्री का जॉब शुरू से था क्या आ, नहीं नहीं मतलब बेसिकली और घर में पता थी ये सारी चीज़ <laughs> नहीं नहीं घर में किसी को कुछ नहीं पता था कि ये सब पीछे से हो रहा है आई थिंक मैं जब कोटा में था तो मैं यू you नो know, डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर्स होते थे तो वहाँ पे सारे जो टीचर्स होते हैं बड़े कैरेक्टर होते हैं उन वो आप एक तरीके से बोलते हैं एक तरीके से पढ़ाते हैं एक तरीके से वो चलते हैं हाव भाव उनके बहुत रहते हैं तो जब भी डेढ़ डेढ़ घंटे के जो लेक्चर के बीच में जो दस मिनट का ब्रेक होता था उसमें मैं उनको इमिडिएट करता था और और हो था था लोगों का चार हाँ, तो चार पांच हाँ, चार, पांच लड़के आ जाते थे खड़े हो हम सिर्फ हो उन, उन तो गए तो काफी फिक्शनल कैरेक्टर है मुझे लगता है कि इमोशनली वैसा कैरेक्टर होना थोड़ा मेरे टाइम तक तो डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में दो से डेढ़ से दो के बच्चे के बीच में बच्चे होते हैं और डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है बहुत सारा कोर्स टीचर को पढ़ाना पड़ता है तो टीचर के लिए बड़ा डिफिकल्ट है उस लेवल पर पर्सनली इमोशनली कनेक्टेड होना किसी स्टूडेंट के साथ तो वो पॉसिबल नहीं था बट टीचर्स ऐसे बहुत रहे हैं जो यू नो बहुत डेडिकेटेड थे उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस होते थे फिलोसफिकल बातें होती थी, थी उनकी ठीक है तो उनको देख के थ्रू आउट यू नो तुम एक अलग ओ में रहते थे तो वैसे टीचर्स बहुत हुए हैं जिनकी पर्सनालिटी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ बट पर्सनल कनेक्शन होना किसी टीचर की टीचर के साथ वो थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे टाइम पे राइट राइट यहाँ आके किसी एक्टर के साथ पर्सनल कनेक्शन हुआ oh, मतलब दोस्त जो काम प्रोफेशनल लेवल पे जो दोस्त बनते हैं उस तरह की दोस्ती हुई है एंड ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि हाँ दोस्ती इस तरह की है कि अगर यू you नो know, कोई पर्सनल एडवाइस लेनी होगी मुझे किसी से तो वो जरूर हेल्प करेंगे मेरी कौन होगा ऐसा पहला जिससे बहुत सारे जिस जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है आई बिलीव कि उनको अगर मैं कभी भी कॉल करूँगा तो अगर मैं किसी पर्सनल सिचुएशन में होऊंगा तो वो शायद सुनेंगे सभी 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 के बारे में मुझे ऐसा लगता है अब राजस्थान से आते हैं और मुंबई की एक फास्ट पेस जर्नी वो है ज़िंदगी और जो आपने काम किया है जब हम बात करें कोटा फैक्ट्री की बात करें हम पंचायत की बात करें हम चमन बार की बात करें ये एक अलग पेस की फिल्म है आपका अभिनय भी एक अलग पेस का है क्या अगर मैं आपसे आपकी साइकोलॉजी पूछूं या आपका अपना जो पर्सनालिटी है व्यक्तित्व है उसकी बात करूं आप फास्ट पेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है या इस पेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है जहां आप बचपन से पले बढ़े मतलब कुछ फिल्में कभी ऐसी देख ली जो मुझे काफ़ी यू नो वैसा कर गई कि अच्छा ये वाली चीज़ें मैंने अपने आस देखी हैं और जैसे आई थिंक बहुत सारी आई थिंक इरफान खान साहब की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं Uh, जिन्होंने uh, इंस्पायर किया है कि अच्छा ये तो अपने आसपास होता है और ये फिल्म में भी दिखाया जा सकता है और इस तरह की एक्टिंग भी पॉसिबल है तो वो वहाँ से एक uh, नज़र आए आएगी ओ मतलब इस तरह की कहानियाँ और आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है और यू uh, नो you know, उन कहानियों के को देखने की भी एक अपनी ऑडियंस है और वो इन कहानियों से एंटरटेन हो सकती है तो uh, थोड़ा सा इंटेंशनल है कि हाँ मतलब जिस तरह की कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं जिस तरह की कहानियां यू you नो know, मेरे आसपास होती हुई दिखती हैं वो वो करने में मुझे ज्यादा मजा आता है जैसे अगर चमन भार की बात करें तो वैसे कैरेक्टर्स या सीन बड़ा अच्छा लगता होती है है होती एक आदमी बैठा हुआ है वो गाड़ी ऐसे <laughs> ऐसे जाती है 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 फ्रेम से फिर मतलब इंटरेस्टिंग वो ऐसा होता इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक सवाल ये भी है कि क्या जो इस शहर का पेस है वो आपको इस शहर का जो पेस है वो आपको रास आया है हाँ मतलब वैसे मुझे मुंबई शहर बहुत पसंद है Uh, क्योंकि यू you नो know, बहुत फैसिलिटीज़ uh, हैं और मुंबई का एक अपनापन है यू you नो know, वो तुम्हें शुरू के छः महीने थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है जैसे तुम यूज हो जाते हो चीज़ों के फिर तुम्हें यहाँ के बाद कैसे जैसे कोटा में मुश्किल होती है <laughs> यहाँ भी होती यहां है भी होती है बट आई थिंक आफ्टर सिक्स मंथ्स तुम बहुत यूज हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों के और दूसरे शहर में तुम्हें एडजस्ट होना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑफकोर्स तुम्हें दूसरे शहर भी पसंद आएंगे बट वहाँ पर जैसे तुम्हें रहने की बात आई तो तुम एक थाट दोगे कि यार नहीं वहाँ पर ये नहीं है तो मुझे मुंबई शहर की लाइफ बहुत पसंद है बट जिस तरह की फिल्में मुझे पसंद आती हैं वो थोड़ी अलग है यू you नो know, उनका पेस थोड़ा पेस में जो आजकल जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कॉमर्शियल सिनेमा में तो कौन सी ऐसी फिल्म है जो हाल फिलहाल में आपको बहुत पसंद आई और जिसने आपको कहा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए आई थिंक आई लव जो भी यू नो धनुष की जो फिल्में होती हैं ख़ासकर असुरन जैसी फिल्म है जो कि फास्ट पेस भी है मासी भी है ठीक है और ज़्यादा लोग देखना भी पसंद करेंगे प्लस रियल भी है ठीक है कहीं ना कहीं रियलिटी भी है उसमें तो जिस तरह से वो फिल्में बनती हैं कि कैरेक्टर थोड़ा रियल भी लगता है बट फिक्शनल होता है यू नो पांच लोगों को मार भी रहा होता है बट दिखने में काफ़ी रियल लगता है ऐसा नहीं।, नहीं।, नहीं कि ऐसा लगे कि यार ये ये पॉसिबल ही नहीं है कैरेक्टर हमारे आसपास ठीक है कहानी ऐसा लगता है कि हाँ जो कहानी में घटनाएं हो रही होती हैं वो लगता है कि हाँ ऐसी घटनाएं पॉसिबल हैं बट जिस तरह से फिर वो कंक्लूड करते हैं चीज़ों को फिर वो एक्शन में बदल जाता है तो वो काफ़ी पसंद है कैथी करके एक फिल्म है कैथी है कैथी तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म हो सकती है जो यू you नो know, जिसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है कंतारा कंतारा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि जिसमें सब कुछ रियल भी लगता है बट यू नो बट यू नो कहानी है एक फेरी टेल भी है साथ में एंड uh, वो मास को भी यू नो बहुत अपील करती है पुष्पा इज़ वन ऑफ देम तो दीज आर द फिल्म जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी जिनका पेस भी यू नो थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकते हो आप थिएटर में भी आपको मजा आएगा इट्स नॉट लाइक कि तुम यू नो अपने छोटे टी वी पे घर में अपनी अपने पॉपकॉर्न के साथ देखना चाहोगे वैसा भी नहीं है आप जाके टिकट खरीद के बाकायदा देखना चाहोगे मतलब एक्सपीरियंस करना चाहोगे तो ये सारी फिल्में हैं जो मुझे लगता है कि पॉसिबल है मेरे लिए बट आप पर्सनली कौन से कैरेक्टर के ज़्यादा क्लोज है कोटा फैक्ट्री या पंचायत ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगता है कि कैरेक्टर दोनों अलग अलग हैं मतलब अगर आप अगर मैं दो टीचर कहीं दो कहानी में प्ले कर रहा होता तब आप मुझसे सवाल पूछते तो मुझे मेरे लिए कुछ कुछ मुझे लगता है <laughs> 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 नहीं नहीं एक्चुअली Uh, मुझे लगता है कि दो मतलब दोनों ही बहुत ही मेरे पर्सनल लाइफ से दोनों ही बहुत अलग कैरेक्टर हैं ना मैंने वैसे टीचर्स देखे हैं ना एक्चुअली वैसे टीचर्स होते हैं जो इतना पर्सनली घुस के यू नो स्टूडेंट को हेल्प करें और अगर सचिव जी की बात करें तो वो थोड़ा सा अतरंगी इसलिए क्योंकि uh, मुझे लगता है सचिव जी होते हैं कई बार वो आस के कस्बों के होते हैं जनरली hmm. बट ये कहीं और कुछ करना चाह रहा था ये कैट की तैयारी करना चाह रहा था तो बट हाँ बट जो एक मेन क्रक्स है उस कैरेक्टर का कि उसके एम्बिशंस हैं अपनी लाइफ में यू you नो know, वो कुछ अचीव करना चाह रहा है एज़ यू तो वो एक रिलेटेबल थाट है जिससे मैं रिलेट कर कर सकता हूँ कि मेरे भी बहुत सारे हैं बट समाइम्स uh, वो एम्बिशन के को होते हुए आप कुछ एम्बिशन छोड़ के आप कुछ और करने लग जाते हो और वेट करते हो कि तुम्हारा टाइम आएगा और तुम वो एम्बिशन भी अचीव करोगे तो वो चीज़ मुझे लगता है हर यूथ फेस करता है तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल ज़्यादा कैरेक्टर है बट कोटा फैक्ट्री वाला काफ़ी मेच्योर और फिलोसफिकल कैरेक्टर है जिससे ऑफकोर्स मैं रिलेट नहीं करता हूँ मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ Uh, जाते जाते एक चीज मैं पूछूंगा लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी इस वाले में कि आपके दिमाग की जो हालत है <laughs> और वो जो एक सीलन आती रहती है बड़ा अच्छा <laughs> हाँ, काफी अच्छे से का, दिखाया है जी जी पर जाते जाते, जाते मैं ये पूछूंगा कि जब आप बाहर जाते हैं तो लोग अक्सर आपको जीतू भैया या सचिश जी क्या ज़्यादा बोलते हैं <laughs>

कई बार अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर देते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो क्या मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे समझाना पड़ता है या, या yeah, yeah, बस आ, एक चीज़ और पूछूंगा फिल्मों की तरफ इतना कम अटेंशन क्यों है फिल्म हाँ मतलब ऐसा कोई प, इंटेंशनल वो नहीं है कि मुझे फिल्म नहीं करनी है या यू नो सीरीज़ में रहना है ऐसा नहीं, नहीं है जो कहानियाँ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही होती है जहाँ मुझे लग रहा होता है कि हाँ यू नो इसमें मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा यू नो क्रू और डायरेक्टर के साथ काम करने में मज़ा आएगा तो वो सिचुएशन मैं देखता हूँ थोड़ा सा चूजी हूँ अदरवाइज़ मैं म, अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं करने के लिए बेताब और रेडी रहता हूँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू